का हो या रबी का हो, उसके पहले एक अभियान चलाते हैं किसानों के बीच में हर साल कृषि विभाग की तरफ से, और बहुत सारा काम हो रहा जो जलवायु के अनुकूल कृषि का कार्यक्रम होना चाहिए। इन सब चीजों को लेकर के भी हम लोग एक अभियान इसके लिए चला रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की कही हुई बात बिहार के भोजपुर जिले में जमीनी स्तर पर हकीकत में बदलती नजर आ रही है। जिले के कोइलवर प्रखंड के खेसरिया गांव में महिलाओं द्वारा जलवायु अनुकूल खेती की जा रही है। ये महिलाएं जीरो टिले से सरसों, गेहूं और चना की खेती कर देश के अन्य महिलाओं को एक नई सीख देने की ओर अग्रसर हैं। आज मौसम चक्र में तेजी से बदलाव हो रहा है, ऐसे में किसानों को विपरीत मौसम में तैयार होने वाली फसलों को लगाने की जरूरत है। इसी दिशा में भोजपुर जिले में कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र एवं आत्मा भोजपुर द्वारा कम समय में बेहतर पैदावार कैसे हो, इस दिशा में किसानों को सीधी बुआई के लिए लगातार प्रेरित किया जा रहा है। इसके लिए फसल की नई किस्म और नई तकनीक से बुआई की विधियों पर भी बढ़ावा दिया जा रहा है। हमको समय पकड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि समय से अगर खेती हो जाती है तो उसका बहुत ज़्यादा फायदा होता है, और इसमें खास करके तकनीकों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हमको अब करना पड़ेगा। और उसी क्रम में हम लोगों ने जीरो टिलेज मशीन से यहाँ पर कई तरह की फसलें लगवाई हैं, जैसे कि हमने चना लगवाया है, हमने सरसों लगवाया है, और ये जो सरसों की फसल है ये थोड़ी पहले लगी थी, देखिए इसमें फूल भी आ गए हैं और फलन भी शुरू हो चुका है। इसलिए ये जो मौसम अनुकूल कृषि है इसमें मशीनों की भी बहुत बड़ी भूमिका है और समय का भी बहुत बड़ा महत्व है। और समय पकड़ने के लिए आपको खेतों को समय से खाली करना होगा, इसके लिए आप हार्वेस्टर का इस्तेमाल करते हैं। हम लोगों ने हार्वेस्टर भी जो लाया है अपने जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम में, उसमें SMS मतलब स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम लगा हुआ है, जिससे कि जितने भी पुआल हैं खेतों के वो खेतों में ही मिला दिए जाते हैं और जलाने की समस्या खत्म हो जाती है। उससे हमारे खेतों की जो उर्वरा शक्ति है वो बढ़ती है और उसका नमी का संरक्षण जो है उसमें भी अच्छा वृद्धि देखने को मिला है, और फसल भी जो होती है उस फसल अवशेष प्रबंधन के कारण उसका भी विकास बहुत अच्छा होता है। हम आपको बता दें, बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2019 में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत की गई है। इसमें 11 अवयवों को शामिल किया गया है। जलवायु के अनुकूल कृषि कार्यक्रम और फसल अवशेष प्रबंधन भी इसमें शामिल है। हमारे जिला कृषि कार्यालय के तहत संचालित आत्मा विभाग जो है वो भी एक्टिव है, उनके द्वारा विभिन्न योजनाओं जो संचालित की जा रही है उसके संबंध में विस्तृत रूप से इनके इन लोगों की टीम के द्वारा, चाहे TM हो, BTM हो, PD हो, हमारे कोऑर्डिनेटर हो, सभी के सहयोग से सभी योजनाओं के बारे में विस्तृत रूप से प्रशिक्षण कार्यान्वयन कराने के लिए तत्पर रहते हैं। किसान को उन्नत खेती के बारे में, कैसे खेती करने से ज़्यादा लाभ मिले और कम से कम लागत किसानों को हो, इसके लिए हम लोग कार्यक्रम चला रहे हैं। जलवायु अनुकूल खेती ज्यादा से ज्यादा किसान करें, इसके लिए इन्हें प्रशिक्षण, प्रत्यक्षण और परिभ्रमण कराया जा रहा है। हमारे यहाँ परिभ्रमण और प्रशिक्षण के मध्य से किसानों को यहाँ पे परिभ्रमण कराया जाता है, उनके प्रशिक्षित किया जाता है, जिससे कि अधिक से अधिक किसान यहाँ पे लाभुक हो। कृषि को बचाने के लिए किसान भाई, आप भी इन महिलाओं की तरह हमें अपने संसाधनों का न्याय संगत इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। हमें खेती में ऐसे पर्यावरण मित्र तरीकों को अहमियत देनी होगी जिनमें अपनी मिट्टी की उत्पादकता को बरकरार रख सके और अपने प्राकृतिक संसाधनों को बचा सके।